please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवानी और अब आज की ताजा खबर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। और सबसे पहले आप तक बड़ी खबर पहुंचा दें। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल पर बड़ा हमला किया। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने आरोप लगाया कि एटीएस ने जिन दो आतंकियों को गिरफ्तार किया उनमें से एक भरूच के उस अस्पताल में नौकरी करता था जिसके ट्रस्टी खुद अहमद पटेल थे। विजय रूपाणी ने पूरे मामले पर अहमद पटेल और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से जनता को सफाई देने की मांग की। विजय रूपाणी ने अहमद पटेल से राज्यसभा से इस्तीफा देने की मांग करते हुए कहा कि अहमद पटेल ने भरूच के अस्पताल के ट्रस्टी पद से भले ही 2014 में इस्तीफा दे दिया हो लेकिन कर्ता धर्ता वही थे, इसलिए अहमद पटेल को सफाई देनी होगी। ये आतंकी पकड़े गए उनके दो दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया या इस्तीफा ले लिया, तो इसका भी क्या संबंध है? शंका के दायरे में है। आप जानते थे या नहीं जानते थे ये बताना पड़ेगा देश को। कांग्रेस राहुल गांधी जवाब दे कि क्या ताल्लुक है। भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के मुख्यमंत्री गुजरात श्री विजय रूपाणी अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए इस प्रकार के उलझुल बयान कांग्रेस के नेताओं पर लगाने का षड्यंत्र और कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। अगर गुनहगार है, आतंकवादी है, ये देश के खिलाफ काम कर रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को फांसी की सजा देने के लिए भी तैयार है। आप राजनीति करने के बजाय राष्ट्रनीति करो। इतने साल आईएसआईएस का एक आतंकवादी वहां काम कर रहा था, उसको पनाह मिला एक तरह से, तो कांग्रेस को बताना चाहिए कि आतंकवाद पर उनकी भूमिका क्या है। कैटालोनिया की क्षेत्रीय संसद है। कैटालोनिया की क्षेत्रीय संसद ने विवादित मतदान के बाद स्पेन से आजादी की घोषणा कर दी। हालांकि स्पेन ने इसे मान्यता नहीं दी और इसके कुछ ही देर बाद कैटालोनिया की संसद को ही भंग कर दिया गया, जिसके बाद कई जगहों पर हिंसा भड़क गई। आजादी की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी भी की, जिसके बाद स्पेन के प्रधानमंत्री ने लोगों से शांत रहने की अपील की और कहा कि वहां कानून का राज जल्द ही स्थापित किया जाएगा। स्पेन के बार्सिलोना में संसद के बाहर सड़क पर सैकड़ों लोगों ने अपने हाथों में कैटालोनिया का झंडा लेकर एक रैली निकाली। ये लोग कैटालोनिया को एक नया देश बनाने की मांग को लेकर संसद के बाहर प्रदर्शन करने जुटे। जहां स्पेन के केंद्रीय नेताओं और कैटालोनिया के नेताओं के बीच एक बैठक चल रही थी, लेकिन इस दौरान संसद के बाहर प्रदर्शन करने जुटे लोग रैली निकालकर नारेबाजी करने लगे। इस रैली में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग रात को ही जमा हो गए थे। रैली के बाद लोग बड़ी तादाद में संसद के मुख्य गेट पर जमा हो गए और कैटालोनिया का झंडा लहराकर नारेबाजी करने लगे। हाल ही में संसद में स्पेन के प्रधानमंत्री मारियानो रखॉय ने कैटालोनिया में संविधान के अनुच्छेद 155 को लागू करने का ऐलान किया था, जिसका कैटालोनिया के नेताओं ने विरोध जताया। स्पेन में संविधान के इस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार कैटालोनिया पर सीधे शासन कर सकती है। हालांकि इस अनुच्छेद को लागू करने का विरोध यहां की जनता भी कर रही है। इस विरोध में कैटालोनिया के लाखों कारोबारी भी शामिल हैं, जिनके मुताबिक स्पेन सरकार के काबू में आने से कैटालोनिया के उद्योग धंधों पर बुरा असर पड़ सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने खाद की सब्सिडी के लिए आधार कार्ड को जरूरी घोषित कर दिया। 1 नवंबर से महाराष्ट्र में अब किसानों को खाद की खरीद पर सब्सिडी लेने के लिए आधार कार्ड दिखाना जरूरी होगा। आधार कार्ड दिखाने के बाद ही खाद पर मिलने वाली सब्सिडी को सीधे किसान के खाते में जमा कराया जाएगा। महाराष्ट्र में तकरीबन 60 लाख टन खाद की खपत है। महाराष्ट्र में 20,988 खाद बिक्री केंद्र है जिन्हें कार्ड स्वाइप मशीन दी गई है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में पत्रकार विनोद वर्मा को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, तो वहीं पत्रकार की गिरफ्तारी पर सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी ने जहां विनोद वर्मा को कांग्रेस का एजेंट करार दिया, तो कांग्रेस ने इस गिरफ्तारी को पत्रकारिता की आजादी पर हमला बताया और बीजेपी को घेर लिया।
जिसके बाद बीजेपी की ओर से बयानों की झड़ी लग गई। खासकर छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं ने तुरंत ही मोर्चा संभाला। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री राजेश मूणत भी सामने आए। राजेश मूणत वही मंत्री हैं जिनकी सीडी होने का दावा किया जा रहा है। मंत्री ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों को साजिश करार दिया। इस सीडी की जितनी जल्दी हो जांच, जिस स्तर पे जांच करा सकते हैं, चाहे फॉरेंसिक की जांच कराएं, तथ्य से तथ्य के जनता के बीच में आकर के उजागर करें। वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी भी खुलकर अपने मंत्री के साथ खड़ी है। बीजेपी नेताओं ने विनोद वर्मा के कांग्रेस से ताल्लुक होने पर सवाल उठाए। ये भूपेश बघेल जी और उनकी टीम के द्वारा रचित घटनाक्रम है। भूपेश बघेल जी को चुनौती देता हूँ, कोई प्रमाण है, कोई सीडी है तो लिखाए थाने में रिपोर्ट। बीजेपी ने विनोद वर्मा पर कांग्रेस का एजेंट होने का आरोप भी लगाया, जिसके बाद कांग्रेस ने एक बार फिर जवाबी मोर्चा खोल दिया। इसके लिए खुद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेश बघेल मीडिया के सामने आए और बीजेपी पर अपने मंत्री को बचाने के लिए पत्रकार को फंसाने का आरोप लगाया। सीडी में दिखाई दे रहा है कि एक मंत्री है, एक महिला के साथ मंत्री को बचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं अजय माकन ने इस कार्रवाई को प्रेस की आजादी पर हमला करार दिया। प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर हमला जिस तरीके से हो रहा है, और जो मंत्री लाभ में न्यायिक जांच होनी चाहिए, विनोद वर्मा जी को रिलीज किया जाना चाहिए। हालांकि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने कांग्रेस के आरोपों को एक बार फिर खारिज किया और मामले की निष्पक्ष जांच कराने का भरोसा दिया। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रेस की आजादी को लेकर दिए गए कांग्रेसी नेताओं के बयान पर भी पलटवार किया और जांच के बाद ही कोई बयान देने की बात कही। जांच के बाद जो भी निष्कर्ष आएगा वो जांच में कार्रवाई होगी। हालांकि बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू ने इस गिरफ्तारी का विरोध करते हुए इसकी तुलना इमरजेंसी से कर डाली। किसी पत्रकार की और संपादक की आधी रात को गिरफ्तारी मुझे बुरे दिनों की याद दिलाती है। जेडीयू ने इस पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ सरकार से स्पष्टीकरण देने की मांग की। यूपी के फिरोजाबाद में एक लड़के को दुकान से पैसे चुराने के आरोप में जमकर पीटा गया। लड़के पर आरोप है कि उसने दुकान के गल्ले से पैसे चुराने की कोशिश की, तभी दुकान के मालिक ने उसे देख लिया और उसे पीटना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये लड़का इसी दुकान में काम करता था। शिवसेना सांसद संजय राउत का कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की तारीफ करना बीजेपी को नागवार गुजरा है, लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी की तरफदारी करते हुए विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर हमला बोला और इसके बाद संजय राउत के बयान के बहाने प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के मुकाबले पर बहस भी तेज हो गई। संजय राउत के मुताबिक 3 साल पहले राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता था, लेकिन अब स्थिति वैसी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने उनके अंदर एक नेता तलाश लिया है। राहुल गांधी की तारीफ में संजय राउत के बयान पर बीजेपी ने ऐतराज जताया। किसी और पार्टी के नेता यदि इतना भरोसा जताते हैं राहुल गांधी में, एक बात यह हो सकती है कि वो इटालियन चश्मे से देख रहे हैं। लेकिन बीजेपी की सहयोगी पार्टी की ओर से राहुल गांधी पर दिए इस बयान से सियासत गर्मा गई और बीजेपी के विरोधी दलों ने शिवसेना के सुर में सुर मिलाते हुए जहां राहुल गांधी को पहले से बेहतर नेता बताया, वहीं बीजेपी पर तंज भी कसा और सीपीआई ने लगे हाथ दावा किया कि जनता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी के विकल्प के तौर पर देखने लगी। मोदी जी के नीतियों के संबंध में उन्होंने टिप्पणी करनी शुरू की है, वह लोगों को भी प्रिय लग रही है। दूसरी ओर कांग्रेस की सहयोगी पार्टी आरजेडी ने भी जहां राहुल का समर्थन किया, वहीं पीएम मोदी पर हमला बोला। बिल्कुल कैपेबल है, 2200 पार्टी हम लोग मिलकर सब अपना विकल्प बना रहे हैं। लालू यादव ने हमला बोलते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी को जनता दोबारा नहीं चुनेगी। हालांकि बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने इस बात से इनकार किया कि देश में प्रधानमंत्री मोदी की लहर कम हुई। जेडीयू ने माना राहुल गांधी सिर्फ खबरों में ही लोकप्रिय नजर आते हैं, लेकिन पार्टी के मुताबिक राहुल गांधी के नेतृत्व में राजनीतिक बदलाव कारगर नहीं होगा। मैं नहीं मानता कि श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई बड़ा परिवर्तन नियर फ्यूचर में संभावित है। जेडीयू ने सलाह दी कि शिवसेना और बीजेपी को आपसी मतभेद खत्म करने चाहिए। जानकार भी मान रहे हैं कि हाल के दिनों में बीजेपी और शिवसेना के बीच बढ़ी तल्खी को देखते हुए संजय राउत का बयान कांग्रेस को लुभाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन संजय राउत ने अपने बयान पर सफाई देते हुए बिगड़े माहौल को दुरुस्त करने की भी कोशिश की। राहुल गांधी नेतृत्व कर सकता है, यही हमने कहा। उसका मतलब ये नहीं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो गए, राहुल गांधी ने मोदी जी को चैलेंज दिया है। हालांकि संजय राउत ने फिर दोहराया कि पहले की तुलना में लोग राहुल गांधी को ज्यादा सुन रहे हैं। साथ ही संजय राउत ने नसीहत दी कि राहुल गांधी एक सियासी पार्टी के नेता हैं, इसलिए उन्हें पप्पू कहना ठीक नहीं। लेकिन इस सियासी घमासान के बीच बीजेपी ने एक बार फिर राहुल पर तंज कसा और कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी को पहले शादी करने की सलाह दे दी। पहले शादी तो कर ले। दूसरी ओर कांग्रेस ने राहुल गांधी को लेकर विपक्ष के बाकी दलों की राय पर मोहर लगाई। राहुल गांधी जी, हम लोगों का ये मानना है कि सक्षम है कांग्रेस को लीड करने के लिए, सक्षम है पूरी की पूरी यूपीए को लीड करने के लिए और देश को लीड करने के लिए।
कांग्रेस ने भी जोर दिया कि बीजेपी के खिलाफ यूपीए को नेतृत्व देने में राहुल गांधी पूरी तरह सक्षम है। केन्या में दोबारा शुरू हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद एक बार फिर हिंसा भड़क गई। इस चुनाव को फर्जी बता रहे प्रदर्शनकारियों ने कई इलाकों में जमकर हंगामा मचाया। गुस्साई भीड़ ने कई घरों में लूटपाट और आगजनी की, जिससे आम लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। आरोप है कि इन प्रदर्शनकारियों ने एक आदमी को कट्टरवादी संगठन का बताते हुए उसे पीट पीट कर मार डाला। केन्या की राजधानी नैरोबी में पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग जान बचाकर भागने लगे, लेकिन पुलिस वालों ने उनका पीछा तब भी नहीं छोड़ा। इनमें कुछ प्रदर्शनकारी तो पुलिस के हत्थे चढ़े, लेकिन ज्यादातर मौके से भाग खड़े हुए। ये सभी लोग विपक्ष के नेता रैला ओडिंगा के समर्थन में चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे, क्योंकि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा कराए गए चुनाव पर सत्ता पक्ष की ओर से दबाव होने का दावा किया था, जिसके बाद से ही ओडिंगा ने अपने समर्थकों के साथ देश के मौजूदा राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा के खिलाफ पूरे देश में मोर्चा खोल रखा है। ताजा प्रदर्शन तब और भड़क गया जब 26 अक्टूबर को दोबारा वोट डाले गए, जिसका रैला ओडिंगा के समर्थकों ने बढ़ चढ़कर बहिष्कार किया। कई जगह तो हिंसक झड़प को देखकर मतदान रोकना पड़ा। हालांकि इस बीच ओडिंगा ने सरकार पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाते हुए दावा किया कि पुलिस और उनके समर्थकों के बीच हुई झड़प में कुछ समर्थकों के मारे जाने की खबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 महीने से जारी विरोध प्रदर्शन में अब तक 67 लोगों की मौत हुई है। केन्या में 8 अगस्त को हुए चुनाव में राष्ट्रपति केन्याटा ने 54% वोट के साथ जीत हासिल की थी, लेकिन विपक्ष के नेता ओडिंगा ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने दोबारा चुनाव कराने का आदेश दिया था। लेकिन पहले से चुनाव का बहिष्कार कर रहे ओडिंगा के समर्थकों ने पश्चिमी केन्या के कई पोलिंग बूथ पर पत्थरबाजी की, जिसकी वजह से वहां मतदान ही नहीं हो पाया। राजस्थान सरकार के एक फरमान पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि सूबे की सरकार आरएसएस को फायदा पहुंचाने के लिए कॉलेजों के छात्रों को टूर पर उदयपुर के प्रताप गौरव केंद्र में भेजने के लिए मजबूर कर रही है, जिसके लिए राजस्थान सरकार के कॉलेज आयुक्त की ओर से कॉलेजों को फरमान जारी हुआ है। फरमान यह है कि राजस्थान में सभी कॉलेज के छात्रों को उदयपुर के प्रताप गौरव केंद्र में स्टडी टूर पर जाना जरूरी है। इसके लिए हर छात्र को 50 रुपए बतौर फीस देने होंगे, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के इस फैसले से आरएसएस का खजाना भरेगा। आप बाउंड मत कीजिए किसी को, हर कॉलेज को वहाँ जाना जरूरी है, जाना नहीं। सरकारी सिफारिश की महाराणा प्रताप को जरूरत नहीं है। जानकारी के मुताबिक 23 अक्टूबर को सरकार ने कॉलेजों को एक नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया है कि छात्रों को स्टडी टूर पर प्रताप गौरव केंद्र ले जाया जाए और स्टडी टूर के लिए जो राशि जारी की जाती है उसका एक हिस्सा इस पर खर्च किया जाए। प्रताप गौरव केंद्र महाराणा प्रताप की जिंदगी से जुड़ी यादों को समेट कर बनाया गया है और इस केंद्र का संचालन आरएसएस करता है, जिसका उद्घाटन खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया था। इसलिए इस केंद्र की देखरेख की जिम्मेदारी भी आरएसएस के हाथों में है। इस भव्य केंद्र के अंदर महाराणा प्रताप की विशाल मूर्ति के अलावा एक म्यूजियम भी है, जिसमें उनसे जुड़ी चीजों को रखा गया है। इसलिए सरकार की मंत्री किरण महेश्वरी इसे इतिहास से जोड़कर देख रही हैं। ये बहुत ही छोटी मानसिकता होगी। अब हमारे इतिहास पुरुष हैं जीवन में, उन सब लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है आज की पीढ़ी को। हालांकि मंत्री का दावा है कि छात्रों का टूर पर उदयपुर के प्रताप गौरव केंद्र जाना जरूरी नहीं किया गया। गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स को नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 1 साल तक सामाजिक कामों में हाथ बटाने और नशा मुक्ति संस्थान में क्लास अटेंड करने के लिए कहा है। इसके लिए टाइगर वुड्स ने हामी भी भर दी। इस दौरान टाइगर वुड्स को एक $250 का जुर्माना भी देना होगा। पीएम मोदी 2 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के फतेहपुर और नाहन में रैली करेंगे, जबकि अमित शाह की 30 अक्टूबर से 5 दिन तक अलग अलग जगहों पर जनसभाएं होंगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने डेंगू के बढ़ते मामलों पर पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस भेजा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में नाइजीरियाई छात्र के यौन शोषण के आरोपों के बाद नाइजीरिया के एक प्रतिनिधिमंडल ने स्कूल के प्रिंसिपल से मुलाकात की। पीएमओ की शिकायत पर सीबीआई ने प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले एक गिरोह के खिलाफ केस दर्ज किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को कानूनी संरक्षण देने वाले अध्यादेश पर वसुंधरा सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। रायन इंटरनेशनल स्कूल में छात्र की मौत के बाद गुरुग्राम में 135 निजी स्कूलों पर सुरक्षा से जुड़ा सर्टिफिकेट न देने पर प्रशासन ने केस दर्ज करने का निर्देश दिया। राजस्थान के झुंझुनू में पुलिस पर एक महिला को गिरफ्तार करने के बाद घसीट कर ले जाने का आरोप लगा। राजस्थान के बूंदी में जंगल में लगी आग की चपेट में आने से 8 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। पंजाब के बठिंडा में कर्ज से परेशान एक किसान ने खेत में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मनोज बाजपेयी की फिल्म रुख बड़े पर्दे पर उतर गई। अब धूल छटक के भूल जाना बिसरी।
राजस्थान के राजसमंद में कुछ संगठनों ने फिल्म पद्मावती के खिलाफ प्रदर्शन किया। खबर है कि बाहुबली से लोकप्रिय हुए प्रभास ने बतौर फीस 20 करोड़ रुपए मांगे, जिसके बाद करण जौहर ने अपनी फिल्म ही टाल दी। कल के महोत्सव में यूपी के संभल पहुंची राधिमा पत्रकारों से बातचीत करते हुए भड़क गई और वहां मौजूद एक पत्रकार की शिक्षा पर सवाल पूछने के बाद उसे अंग्रेजी सिखाने लगी। इसका मतलब तुम फिर अभी मेरे साथ आर्गुमेंट करना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, मैं पहली बार पर ये बात मैं जरूर कहूंगी कि तुम्हारे ऊपर परेशानी है। सुनो मेरी बात, बहुत हो चुका है, अब तक स्टॉप करते, अब अगली बातें करो। बोलना जरा, तुम बोलो ना जरा, दुनिया कुछ गलती है, दुनिया बार बार तुम वही बातें पूछते जाओ। मेरे ऊपर कोई रोक नहीं, मैं पाक साफ हूँ। हाँ ये बात सही है बेटा, क्या हो गया? 15 दिन बाद तुमसे बात करूंगी मैं। कोई बात नहीं कि पाक साफ कौन है? अब तुम और मेरे पे लगते हैं कि तुम पे लगते हैं। 15 दिन में कौन सा बदलाव आने वाला है? क्या 15 दिन में कौन सा बदलाव आने वाला है? बदलाव आएगा, ये तुम भी यहाँ, मैं भी यहाँ हूँ, इतना मेरे सामने। यूपी के संभल में पत्रकारों से बात करते हुए राधे माँ अचानक एक पत्रकार को धमकाने लगे। वहाँ मौजूद पत्रकार एक एक करके राधे माँ के ऊपर लगे आरोपों पर सवाल दाग रहे थे, जिन्हें सुनकर राधे माँ अपना आपा खो बैठी और पत्रकारों पर भड़क गयी। राधे माँ के तेवर शुरुआत से ही तीखे थे। राधे माँ के ऊपर लगे आरोपों पर जब उनसे पहला सवाल पूछा गया तो उन्होंने मीडिया वालों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या आरोप लगते हैं? मैंने बुरा किया कि तुम लोग बड़े साफ हो सारे? लेकिन राधे माँ के भड़के तेवर देखकर मीडिया वाले भी उन्हें बख्शने के मूड में नहीं थे और उनके मना करने के बावजूद आरोपों से जुड़े सवाल पूछने पर डटे रहे। आरोपों का जवाब देते हुए राधे माँ ने दावा किया कि 15 दिन में वो सब कुछ बदल कर रख देंगी, जिसके बाद एक पत्रकार ने ऐसा सवाल पूछ लिया जिस पर वो फिर से भड़क गई। 15 दिन में कौन सा बदलाव आने वाला है? क्या 15 दिन में कौन सा बदलाव आने वाला? बदलाव आएगा, ये तुम भी यहाँ, मैं भी यहाँ हूँ, इतना मेरे सामने। क्या उस बात की क्या जानकारी? छोटी माँ, बात कर जरा। हालांकि कुछ देर बाद संयम से काम लेते हुए उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया। सुनो मेरी बात, बहुत हो चुका है, अब तक स्टॉप कर, अब अगली बातें करो। बोलना जरा, तुम बोलो ना जरा, दुनिया कुछ गलती है, दुनिया नहीं, बार बार तुम वही बातें पूछते जाओ। मेरे ऊपर कोई रोक नहीं, मैं पाक साफ हूँ। लेकिन जब उनके ऊपर चल रहे केस का सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे सीधे मीडिया वालों को वहां से जाने की धमकी दे डाली। मैं संत नहीं हूं, मैं माँ हूं। चलो माँ भी हो ना, तो चलो उठाओगे अपने आप। नहीं। मामले को बढ़ता देख उनके समर्थकों ने मीडिया वालों से बातचीत खत्म करने की गुजारिश की, जिसके बाद राधे माँ शांत हुई। इंग्लैंड के न्यूके में एयरपोर्ट के रनवे पर जेट विमान जैसी दिखने वाली एक कार तेज रफ्तार के साथ दौड़ती नजर आई। दावा किया जा रहा है कि यह कार आवाज से भी तेज चलने वाली एक सुपरसोनिक कार, जिसे पहली बार टेस्ट ड्राइव के लिए इस रनवे पर उतारा गया। ब्लडहुड नाम की इस कार को न सिर्फ एक जेट विमान की तरह तैयार किया गया है, बल्कि इसमें जेट विमान में लगने वाले इंजन का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से टेस्ट ड्राइव के दौरान इस कार ने करीब 3 किलोमीटर की दूरी 322 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर ली। हालांकि कार बनाने वाली कंपनी का दावा है कि टेस्ट ड्राइव के दौरान कार की रफ्तार कम रखी गई थी, लेकिन इसके बावजूद कार का प्रदर्शन लाजवाब था। टेस्ट ड्राइव से पहले इस कार को प्रदर्शन के लिए रखा गया, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग जुटे। इस कार में यूरोफाइटर टाइफून जेट का इंजन लगाया गया है, जिसे और ज्यादा रफ्तार देने के लिए जैगुआर V8 इंजन का भी इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से ये कार एक जेट विमान की तरह आग छोड़ते हुए आगे बढ़ती है। इस कार को बनाने वाली कंपनी के मुताबिक अब इस कार का लक्ष्य 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंचना है, जिसका परीक्षण अगले साल दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को झटका देते हुए केंद्र की याचिका पर दार्जिलिंग से सुरक्षा बल की 7 कंपनियां हटाने का आदेश दिया। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने दिल्ली में अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जज के ट्रेनिंग पर जाने की वजह से अरुण जेटली मानहानि केस में केजरीवाल और दूसरे नेताओं पर सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 29 और 30 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश में रैली और रोड शो करेंगे।
दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर लगी रोक को आगे भी जारी रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। यूपी के कानपुर में कोल्ड स्टोरेज में आग लगने से लाखों का माल जलकर राख हो गया। यूपी के मुरादाबाद में सोने के कारोबारी पर मां की हत्या का आरोप लगा। चीन के शिनजियांग प्रांत में एक बहुत बड़े से गुब्बारे में कुछ लोग गैस भरने लगे। ये गुब्बारा दिखने में बाकी गुब्बारों से बिल्कुल अलग था, जिसे छोड़े जाने से पहले पूरी तरह से तसल्ली की गई और इसके बाद चारों ओर लगी रस्सी को गुब्बारे से अलग कर दिया गया। रस्सी हटाते ही ये विशालकाय गुब्बारा दूध या रोशनी के बीच आसमान की ओर बढ़ गया। इस दौरान इसके साथ डिब्बे जैसे दिखने वाले एक पॉड को भेजा गया। चीन इसी पॉड की मदद से अपने वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में है, जिसका चीन में सफल ट्रायल करने का दावा किया गया। चीन के वैज्ञानिकों ने इस कैप्सूल का नाम ट्रैवलर 3 रखा है। हीलियम गैस भरने के बाद ये बड़े गुब्बारे की शक्ल ले लेता है, जिसका घेराव करीब 19 मीटर तक पहुंच जाता है और ये गुब्बारा 65,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। फिलहाल वैज्ञानिकों ने इस गुब्बारे में भेजे गए पॉड में लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ एक कछुए को अंतरिक्ष के करीब भेजने की कोशिश की, जिसका परीक्षण सफल रहा। शिमला में अचानक तबियत बिगड़ जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें पेट की शिकायत है। सोनिया गांधी शिमला में थी जब उनकी तबियत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें कल शाम तकरीबन 5 बजे दिल्ली लाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक सोनिया गांधी की तबियत को लेकर चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आज की ताजा खबर में इतना ही। चुनावों से ठीक पहले गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अहमद पटेल पर अपने अस्पताल में आतंकी को नौकरी देने का आरोप लगाया, तो कांग्रेस ने भी किया पलटवार। खुफिया एजेंसियों ने गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले 26/11 जैसे बड़े आतंकी हमले की आशंका जताई। अमेरिका ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा अगर आतंकी संगठनों पर जल्द कार्रवाई नहीं की तो वो उसे अपने तरीके से निपटेगा। राम मंदिर मामले में श्री श्री रविशंकर की मध्यस्थता की बात से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और महंत धर्मदास का इनकार। आजादी की घोषणा करने से नाराज स्पेन के प्रधानमंत्री ने कैटालोनिया की संसद को भंग किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उज्जैन में महाकाल का आरओ के पानी से जलाभिषेक और शिवलिंग को कपड़े से ढककर भस्म आरती की गई।